बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का, जो कि बहुत बड़ा सांप था। एक उसके बड़े बड़े 5 फन थे और उस अपने फनों से वो हमेशा जहर उगलता रहता था। वो जहरीला विष के कारण पूरी की पूरी यमुना नदी बहुत ही जहरीली हो गई थी। तो ये कहानी सुननी है आपको, तो आओ आप और मैं मिलकर दोनों सुनते हैं इस कहानी को। ये बात तब की है जब यशोदा के लला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती थी। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते ही अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। जब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं होता। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वे नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी जोर से। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुँचे और यशोदा मैया को कन्हैया के नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़े दौड़े यमुना नदी किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वहीं नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने। और तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थक गया। थकने के बाद कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा, वहाँ पर एक गरुड़ बहुत बड़ा चील, वो मुझे मार डालेगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों मतलब मेरे पैरों के निशान जो तुम्हारे फन पर दिए हैं मैंने, उसको देखकर जो गरुड़ है जो कि चील है वो तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। तो इस तरह श्री कृष्ण ने क्या किया, उसका घमंड जो था वो चूर चूर कर दिया। कालिया नाग का जो घमंड था वो चूर चूर कर दिया और कृष्ण को सही सलामत बाहर वापस पाकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और जो गोकुल था उसमें उत्सव मनाया जाने लगा। तो ये थी कहानी कालिया नाग और कृष्ण भगवान की। कैसी लगी आपको, अच्छी लगी ना?